शेष कई प्रस्ताव है जिनको पारित होना है। सबसे पहला प्रस्ताव जो हमारा आपने जो महाराज जी ने रखा है कि जो हमारा आपने देखा होगा उज्जैन में जो महाकाल का जो जब के महीने में जब महाकाल की सवारी निकलती है उस समय शाही सवारी के नाम से उनको जाना जाता है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री है उन्होंने शाही सवारी पे विरोध किया था कि ये उर्दू शब्द का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारे महाराज श्री के कौन से जो सुझाव आया है इसका नाम है राजसिक किया जाए, राजसिक स्नान किया जाए। इसके लिए हमारे पुलिस अपनी बैठक होगी, चिंतन होगा, मनन होगा, उसके बाद ये प्रस्ताव पारित सुरक्षा। ये हमने कल भी कहा था कि जो भी कुंभ मेले में आएगा चाहे वो साधु हो, संत हो, मीडिया के अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी जो मेला में क्षेत्र में आएगा उसका आधार कार्ड, उसका आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता कि भेष में कौन आ जाए, इसीलिए उसकी पहचान होना बहुत जरूरी है। इजराइल में जो युद्ध चल रहा है वहाँ जो स्थितियाँ उसको लेकर भी आप लोग, देखिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी कोई कम नहीं है, हमारे भी यहाँ घर घर में युद्ध हो रहा है। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ भारत में है, आपने देखा जितने भी हमारे पाकिस्तानी लोग हैं सब भारत में आ रहे हैं, बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं, हमें उनसे भी बचना है। इसीलिए आधार कार्ड आईडी कार्ड होना अति आवश्यक है, सबके पास आधार कार्ड हो आईडी कार्ड हो तभी जाकर के उसको मेला में प्रवेश मिले। भारतीय साधुओं को भारतीय साधुओं को क्या किया जाए, सनातनी अधिकारियों की तैनाती न की जाए कुंभ में। देखिए आपने देखा होगा जब भी कोई गैर सनातनी अधिकारी होता है अगर वो हमारे पक्ष में है तो अच्छा, क्या पता हमारे पक्ष में है या नहीं है, इसीलिए हमारा प्रयास है कि मेले में न हो। और ये जो कुंभ क्षेत्र है पूरे कुंभ क्षेत्र में कहीं भी कोई मांस मदिरा ना पीके उस पर प्रतिबंध। अच्छा, गाय को लेकर गंगा को लेकर क्या प्रस्ताव किया? देखिए हमारे महाराज जी ने भी इसके बारे में चर्चा की थी, जो गाय का जो मुद्दा है आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में गौ माता को जो है महाराष्ट्र में माता का दर्जा दिया गया है। और हमारी ये मांग है पूरे भारत में, जैसे महाराष्ट्र में उनको दर्जा दिया गया है, पूरे भारत में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए, ताकि जितने भी हम सुनाती जितने भी हम हिंदू है सबके मन में एक ही चीज रहती है, गौ माता की जय, गंगा माता की जय। और गौ माता काटी जा रही है, गौ माता का बुरा हाल है, इसीलिए हमने ये प्रयास किया है कि आज की मीटिंग में हम गौ माता की विशेष चर्चा और चलेगी अभी भी शाम को उसके लिए प्रस्ताव। अच्छा, ढोंगी और पाखंडी जो बाबा आते हैं गेरुआ पहनकर सब यहाँ तक आप ढोंगी पाखंडी की बात कर रहे हैं, ढोंगी पाखंडी कौन बनाता है? समाज बनाता है, समाज के लोग उनके साथ चलते हैं, समाज के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब उनको फॉलो करना शुरू करते हैं और वो लोग ढोंग पाखंड करना शुरू करते हैं। मैं सनातनियों को कहना चाहूंगा कि आप इन बाबाओं को जो है अपने वहाँ एंट्री मत दें, अगर आप एंट्री देंगे आप उनके फॉलोअर बन जाएंगे, उनका ज्यादा हो जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो हमारा कुंभ क्षेत्र है कुंभ क्षेत्र में किसी भी ढोंगी बाबा को प्रवेश नहीं दिया। तो नए स्नान घाट बन रहे हैं उनका, अभी इसके लिए विषय चर्चा आई है, अभी चर्चा होगी, शाम तक हम देखेंगे इसमें प्रस्ताव पारित हो जाएगा और शाम को इसके बारे में स्नान घाटों का नाम जो है। देखिए हमारे महाराष्ट्र ने ये भी एक सुझाव दिया है कि जितने भी हमारे घाट है, हमारे जितने अखाड़े हैं, हमारे कुल 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों के अपने अपने इष्ट होते हैं, इष्ट मतलब जो हमारे गुरु है जो हमारे भगवान है उनके नाम से जो है घाटों का नाम रखा जाए, ऐसा हमारा सुझाव है। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, इससे पूर्व में ये सरदारपुर में भी ऐसा हुआ था, जो भी नए घाट बने गए थे उनमें जो अखाड़ों के इष्ट है उनका नाम दिया गया। अभी किन मुद्दों पर और चर्चा होगी, किन विषयों पर चर्चा होगी जो बैठक? देखिए हमारे पास समय कम है, आपने देखा होगा अब हमारे पास 2-3 मिनट शेष बचे हैं और कार्य बहुत ज्यादा है, मुद्दे बहुत है, शाम तक हमारी मीटिंग चलेगी, शाम को आप सब चर्चा करेंगे। धन्यवाद।